नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे डीबी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों, जैसे कि आप देख मेरे सामने देख रहे होंगे तो आप सोच रहे होंगे ये है क्या चीज़। तो ये है भाई, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है मेरे सामने और अभी भी लगातार यहाँ पे कार्य चल रहा है। और ये वो पुल है जो कि बस अड्डे के लिए जा रहा है। तो ये लास्ट रेलवे स्टेशन का पुल है और लास्ट रेलवे स्टेशन सिवाई कर्णप्रयाग जो है वो सामने है। यहाँ से दिखाई नज़र नहीं पड़ रहा है, नज़र नहीं आ रहा क्योंकि मैं हूँ अभी डाउन में और स्टेशन बनेगा ऊपर। तो गाइस, जो ये पुल बन रहा है तो ये लास्ट रेलवे पुल है, इसके बाद कहीं पे पुल नहीं बन रहा है। और लास्ट रेलवे स्टेशन सिवाई है तो भाई इसके बाद अभी तक तो यहाँ तक काम कंप्लीट हो रहा है, फिर उसके बाद सर्वे आगे भी हो रखी है। और यहाँ से जो ये रास्ता है तो यहाँ से जाएगी ट्रेन और सीधे, तो आगे करीबन 20-25 किलोमीटर आगे मठाणा गांव है, तो वहां तक लास्ट रेलवे स्टेशन बना जाएगा भविष्य में। अभी तो फिलहाल लास्ट रेलवे स्टेशन शिवाई है। और अगर भविष्य में ये हमारे लिए, क्योंकि हमारा गांव उस साइड है, अगर यहां से भी रोड जाती है तो वहां पे आपको अगर थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा तो वहाँ पर है रोड। और यहाँ से अगर रोड देते हैं वो, तो क्या पता अगर कभी जो ये बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है इस पर अगर कभी कोई दिक्कत हो गई, जैसे कि मलबा वगैरह आ गया, तो यहाँ से भी आराम से गाड़ियाँ जा सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा हो, क्योंकि भाई उसमें थोड़ा हमारा भी फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, पहले इन्होंने क्या कर रखा था कि बीच में ये जो ये मलबा है वो डाल रखा था और उनके नीचे डाल के थे पाइप, और पाइप को पाइप के अंदर से पानी जाता था क्योंकि उस टाइम पानी थोड़ा कम था। और अब पानी बढ़ चुका है तो अब क्या कर रहे हैं, ये ट्रॉली की मदद से आर पार कर रहे हैं। तो पहले क्या करते थे, जो ट्रक वगैरह थे तो वो यहीं से क्रॉस होकर के उस साइड चले जाते थे, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा एक टेम्परेरी पुल बना रखा था। तो कहते भाई इंडिया इंडिया है जुगाड़ों का घर, तो आराम से आर पार चले जाते थे। और नदी बढ़ गई है तो इसलिए अब थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये दोस्तों आप देख रहे होंगे तो ये नीले कलर का, तो ये है सपोर्टर, और उन पर आपने देख रहे होंगे तो इन पर लगे हैं तार। अगर आप गौर से ध्यान दे रहे होंगे तो ये तार क्या कर रहे हैं, जो ये पुल है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बाद में जो ये सपोर्टर लगे हैं ये निकल जाएंगे। और देखिए लगातार कार्य प्रगति पे है। यहाँ पे बन रहा है लास्ट बस अड्डा, जो कि आपको बद्रीनाथ जाने के लिए यहीं से होके जाना पड़ेगा, यहीं से बस पकड़नी पड़ेगी अगर आप ट्रेन से आ रहे हो शिवाई तक। अगर आप ऋषिकेश में उतर रहे हो तो ऋषिकेश या हरिद्वार में उतर रहे हो तो वहाँ से आपको बस पकड़ करके तो यहाँ तक आना पड़ेगा। अगर बस के जरिए आ रहे हो आप, तब जाके आप बद्रीनाथ पहुँचोगे। और अगर शिवाई में उतरते हो तो यहाँ पर से यहीं पर आपको ले चलूँगा अभी थोड़ी देर में, जहाँ पर बस अड्डा बन रहा है वहाँ भी ले चलूँगा। फिर यहाँ से आपको सीधे बद्रीनाथ के लिए गाड़ी पकड़नी पड़ेगी, चाहे वो बस हुई, छोटी कार हुई, कुछ भी हुआ, तो वो पकड़ करके फिर आपको यहाँ से आगे बद्रीनाथ जाना पड़ेगा। तो बद्रीनाथ यहाँ से महज 100-120 किलोमीटर आगे है, वहाँ से फिर 2-3 किलोमीटर आगे माणा है, तो माणा भी हर कोई जाता ही है अगर कोई बद्रीनाथ जाता है, क्योंकि वहाँ पर लास्ट हिंदुस्तान की अंतिम दुकान, जो कि उन्होंने अपने दुकान का नाम दिया है। और भीम पुल, बहुत सी ऐसी ऐसी जगह है वहाँ पे भी माड़ा में देखने के लिए, जिसे देखने के लिए लोग जाते। तो ये देखिए गाइस, कर्मचारियाँ लगे हुए हैं काम करने पे, तो जितना जल्दी हो सके इस पुल को क्लियर करने में लगे हुए हैं। तो फिलहाल अभी 2 साल और लग सकते हैं इस पुल को तैयार होने में। और अगर आपने दोस्तों मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी होगी, उसके आकार का सपोर्टर था तो पहले इन्होंने जुड़े नहीं थे, अब देखिए पूरा क्लियर कर। यहाँ पे भी देखिए गाइस, बहुत सारे सामान फेंक रखे हैं इन्होंने, जो कि लगेंगे इस पुल पे, पुल के निर्माण के लिए। और ये देखिए क्रेन, जो कि लोहे के सामानों को ऊपर पहुँचाएगी, और ट्रॉली वाले ने ट्रॉली कर दी है यहाँ पे खड़ी। और नेशनल हाईवे अगर आप देख रहे होंगे तो वो सामने से थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, तो ये देखिए पूरा सामने नेशनल हाईवे है जो कि बद्रीनाथ को जोड़ता है, बद्रीनाथ और ऋषिकेश को। दोस्तों
अब ले चलते हैं आपको सीधे वहाँ पे जहाँ पे बन रहा है बस अड्डा, और मैंने आपको दिखा दिया है लास्ट रेलवे स्टेशन का जो पुल बन रहा है बस अड्डे के लिए वो। इसके बाद आगे कोई कार्य नहीं हो रहा है, लास्ट रेलवे स्टेशन। ये देखिए कितने मोटे मोटे गर्डर लगा रखे हैं इन्होंने, अगर आपको नज़र आ रहा होगा तो सामने देखिए। तो गाइस यहाँ पे लगा है नो एंट्री गेट जो कि इधर के लिए है, तो यहाँ हम जा नहीं सकते हैं। और देखिए आप लगातार कर्मचारियाँ भी लगे हुए हैं, और भाई समझ में ये नहीं आ रहा कि टैक्सी स्टैंड कैसा बनेगा यहाँ, क्योंकि लोग वहाँ से तो पैदल आएंगे नहीं। चलो देखते हैं क्या हो रहा है कैसा हो रहा है। तो यहाँ रेलवे के कर्मचारियों के रहने के लिए बना हुआ है ये देखिए क्रेशर वगैरह सब चीज़ लगे हुए हैं यहाँ। और देखिए एक, अगर आपको थोड़ा नज़र आ रहा हो तो एक ट्रक भरा जा रहा है सीमेंट सरिया का घोल वगैरह। तो मेरे सामने है कालेश्वर गांव, ये कालेश्वर गांव है, और इस साइड भी कालेश्वर गांव है। तो यहाँ से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा बाद में बद्रीनाथ के लिए। दोस्तों बस आज का ब्लॉग बस इतना ही, आगे आपके लिए और लेके आएंगे हम नई नई जानकारी। जैसे कि अब यहाँ पे कुछ और कार्य होगा जैसे कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको यहाँ का भी दिखाएंगे। फिर एक दिन ब्लॉग लाएंगे हम शिवाई, जहाँ लास्ट रेलवे स्टेशन है वहाँ भी जाएंगे, और वहाँ भी ज़रूर आपको दिखाएंगे कि भाई क्या क्या कार्य चल रहा है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नहीं है वो ज़रूर करें शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।